Okay, so today we are starting off with a new series of lectures which will comprehensively cover all the physics that you will need to study, starting from the intermediate level, yani ki college mein jab enter karte ho intermediate college mein, ya fir aap kai log school mein bhi padhte hain, jaise to 11 12th aajkal school mein ho gaya, to 11 12th से लेकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितने भी जो भी फिजिकल कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपको पढ़ने का ज़रूरत होता है थ्योरेटिकल फिजिक्स, वो सब कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स. इट विल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू नो इन फिजिक्स टू स्टडी फिजिक्स इन द एडवांस्ड लेवल और टू डू मोर रिसर्च इन सच कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. जितना भी कुछ चाहिए होता है थ्योरेटिकल फिजिक्स में जानना, वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे. सो इट्स अ लॉन्ग सीरीज ऑफ लेक्चर्स दैट आई विल बी ट्राइंग टू कवर. एंड बहुत बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे. मतलब वी विल स्टार्ट ऑफ विथ वेरी बेसिक्स लाइक वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज एंड ऑल दोज थिंग्स दैट यू नीड टू नो इन द if you are starting off with anything in physics, तो बहुत ही basic level से start करेंगे. In fact, उससे भी basic level से start करेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग mathematical preliminaries को भी पहले देखेंगे जो आपको physics पढ़ने के लिए चाहिए. देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके language को समझना. अगर हम आपसे communicate कर रहे हैं तो मेरा भाषा जो है, मतलब मैं जो भी भाषा है आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. तो अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, या जिस भी भाषा में बात कर रहे हैं, उस भाषा को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते. हम आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते विदाउट लैंग्वेज. एंड देयर फॉर टू स्टडी फिजिक्स को स्टडी करने के लिए और फिजिक्स को कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, फिजिकल आइडियाज़ को कम्युनिकेबल बनाने के लिए, देयर हैज़ टू बी अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. इन दैट लैंग्वेज इज एक्चुअली मैथमेटिक्स. तो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स करना इज लाइक कम्युनिकेटिंग विद समवन विदाउट नोइंग हिज और हर लैंग्वेज और द लैंग्वेज विच म्यूचुअली अंडरस्टैंड. तो ही कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं. इसीलिए कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहला काम होता है फिजिकल कम्युनिकेशन, फिजिक्स में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए आपस में, ताकि मेरी आइडियाज़ को आप समझें, आपके आइडियाज़ को हम समझें. फिजिसिस्ट्स ने जो यूनिवर्सल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया है वो है मैथ्स, द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स करना इज लाइक डूइंग सम डूइंग कम्युनिकेशन विदाउट म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रिलिमिनरी मैथमेटिक्स को समझेंगे पहले, एंड देन वी विल गो ऑन टू एक्सप्लोर the concepts of physics, the preliminary concepts of physics that you need to study advanced physics. So इस series of lectures को वो सब लोग follow कर सकते हैं जो either class 11th या 12th में होंगे, intermediate level पे होंगे, या फिर वो graduation में होंगे अपने, या फिर in fact post graduation में भी होंगे, ठीक है, या फिर higher studies के लिए plan कर रहे होंगे physics को लेकर के, वो सब लोग इस lecture को attend कर सकते हैं. and I will try to keep the concepts as simple as it can be presented, ताकि जो clarity है वो बना रहे. subject का clarity बहुत ज़रूरी है, because physics is a concept which जिसमें क्या होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि students बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं. वो मिसकंसेप्शंस का कारण भी है, कारण इसलिए है क्योंकि जो जिस तरीके से सोचना होता है फिजिक्स को, उस तरीके से लोग सोचते नहीं है. मतलब कि पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए फिजिक्स का, वो तरीका डेवलप नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज उस तरीकों को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है. स्टूडेंट्स को इन एन अर्ली स्टेज वो तरीका इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है उनको, कि किस तरीके से इनिशिएट करना चाहिए अपने थिंकिंग को, अपने इमेजिनेशन को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए टू स्टडी फिजिक्स. सी, फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग नेचर. तो सबसे अच्छे तरीके से फिजिक्स सब तभी सीख पाओगे व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर एंड माइन्यूटली ऑब्जर्व नेचर.
ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि देख लेते हैं किसी चीज़ को, पर देख के उस चीज़ को क्रिटिकली समझना, क्रिटिकली उस पर सोचना, ठीक है, दैट इज़ वॉट फिजिक्स इज ऑल अबाउट. तो ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज नथिंग दैट कैन रिप्लेस ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशन से ही इंसान सीखा है हमेशा से, और ऑब्जर्वेशन से ही आगे भी सीखेगा. तो ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल कम्युनिकेट द आइडियाज यूजिंग मैथमेटिक्स, पर फिर भी आपके ऑब्जर्वेशन आपको उन चीज़ों को समझने में, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करते हैं. एंड इट्स इट बिकम्स स्पेशली स्पेशली यूजफुल, द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स स्पेशली बिकम्स यूजफुल इन फिजिक्स व्हेन यू आर स्टडिंग द एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स सच एज relativity and quantum mechanics. क्योंकि उस डोमेन में जाने के बाद, relativistic physics के डोमेन में जाते हैं या फिर quantum mechanical डोमेन में जाते हैं, तो हमारा जो intuition है, classical intuition जो है, जिस तरह से हम लोग वर्ल्ड को देखते हैं, terrestrial phenomena को observe करते हैं, देखते हैं, experience करते हैं, वो काम नहीं आता है उस चीज़ को analyze करने में. quantum mechanical phenomena को या फिर relativistic phenomena को analyze करने में वो काम नहीं आता है. तो classical intuition से, classical mindset से हमें बाहर निकलना होता है. तो उस अगर हम उसी क्लासिकल माइंडसेट से उस चीज़ को देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, तो वी विल ऑलवेज गेट कन्फ्यूज, और उसी कन्फ्यूजन मिसकंसेप्शन अराइज होता है, जो आगे जाकर के बहुत ड्रास्टिक मिसकंसेप्शन बन जाता है किसी सब्जेक्ट को लेकर के. तो वी विल ट्राई टू अवॉइड दोज मिसकंसेप्शन, इस तरीके से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को कि आपको मिसकंसेप्शन हो ही ना, ठीक है. तो पेशेंट रहना, दिस विल बी अ लॉन्ग सीरीज ऑफ लेक्चर्स. वी विल कवर एवरीथिंग दैट इज दैट कैन बी पॉसिबली कवर्ड यूजिंग द ऑनलाइन मीडिया. तो कोशिश करेंगे सब कुछ कवर करने का, और जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होता भी है कहीं पर भी, तो आप यू कैन ऑलवेज कॉमेंट एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज इश्यूज. ओके, सो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर नॉट स्टार्टिंग ऑफ विद एनी फिजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है. इनिशियली वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स दैट आर स्पेसिफिकली नीडेड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन फिजिक्स. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है फिजिक्स के लिए, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कैलकुलस. देखिए बाकी चीज़ पे तो ज़रूरी होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है या फिर एल्जब्रा है, ये तो आपको आना ही चाहिए. ये आपको जो भी आप सीखे हो अभी तक, वो तो आना ही चाहिए. लेकिन उसके अलावा भी जो अभी तक आप नहीं भी सीखे होगे, वो है कैलकुलस. अगर आप 11th या 12th में होंगे तो आपको कैलकुलस पढ़ाया जाता है 11th 12th पहली बार. तो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स को पढ़ने के लिए और फिजिक्स को समझने के लिए. विदाउट कैलकुलस, विद द आइडियाज ऑफ कैलकुलस, आप अगर ठीक से कैलकुलस ना समझो तो फिजिक्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट चेंज, ठीक है. कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ चेंज बेसिकली इन समथिंग, और विदाउट नोइंग हाउ टू स्टडी अ चेंज इन समथिंग, यू कैन नॉट स्टडी फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग चेंजेस और स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द स्टडी ऑफ कैलकुलस, एंड टू स्टार्ट ऑफ विद द स्टडी ऑफ कैलकुलस, वी नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स ऑफ व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन. तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस.